हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। हाय, दिस इज शैलेश वैद्य एंड आई वेलकम यू टू द टुडे सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फॉर द टॉपिक ऑफ यू कैन से आर्क लेंथ एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। सो इन द क्वेश्चन इट वॉज गिवन बाय दैट आर्क लेंथ एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय वी ए इज इक्वल्स टू यू कैन से 24 प्लस 4 एल ए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। एंड वोल्टेज एंड करेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पावर सोर्स कैन बी अज्यूम्ड एज स्ट्रेट लाइन विद द रिलेशन दैट वी ओपन सर्किट इज गिवन बाय 80 वोल्ट्स एंड आई शॉर्ट सर्किट इज गिवन बाय 60 एम्पियर। नाउ डिटरमाइन द आर्क लेंथ फॉर मैक्सिमम पावर। सर, ये मैक्सिमम पावर है क्या? अगर आपने को पूछे दैट फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर, देन रिमेंबर दैट दे आर आस्किंग यू the you can say differentiation of power with respect to the arc length is equals to zero, then and only then we'll be getting the maximum power. Are you getting my point? Tabhi aap logo ko maximum power milne wala hai. Then and only then you'll be getting the maximum power, varna aur koi rasta nahi hai. So for this, pehle main aap logo ko conventional tarika sikhaunga and then I'll be giving you a beautiful short trick specifically for the gate and engineering services examination. To aap logo ko bataiye that the power P is given by voltage into the current. ये मैंने आप लोगों को बताया है और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अब आप लोग याद रख सकते हैं। So in this case, this will be the terminal voltage into the terminal current. Okay sir. Sir, तो हम लोगों को यहाँ पे जो voltage VA दिए हुए हैं for the calculation, मैंने आप लोगों को बोला था for the stability of the arc, it will be considered as the terminal voltage. तो यहाँ पे अपने को पता चलेगा that VT is equals to 24 प्लस 4 एल ए। ये बात समझ में आई? सो नाउ वी कैन राइट अवर इक्वेशन। अपन लोगों ने जो लिखी थी दैट आई टी अपॉन आई शॉर्ट सर्किट प्लस वी टी अपॉन वी ओपन सर्किट इज इक्वल्स टू 1। सो फ्रॉम दिस कैन आई से दैट द टर्मिनल करंट, मुझे करंट की इक्वेशन चाहिए, सो इट विल बी गिवन बाय 1 माइनस वी टर्मिनल अपॉन वी ओपन सर्किट इंटू आई शॉर्ट सर्किट। बात समझ में आई? V टर्मिनल इनटू यू कैन से V ओपन सर्किट अपॉन I शॉर्ट सर्किट। सॉल्व करना शुरू करें सर, तो वैल्यू डाल सकते हैं, अपने पास टर्मिनल वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो वी कैन सॉल्व दिस नाउ। आई गेस आप लोग कर सकते हैं, सो लेट्स डू दिस। येलो कलर अब विजिबल नहीं होगा ऑन टू द व्हाइट स्क्रीन, सो लेट्स यूज द रेड एंड ब्लैक कलर। ब्लैक कलर विल बी गुड। सो वी कैन से दैट I टर्मिनल कैन बी गिवन बाय 1 माइनस आप लोगों का V टर्मिनल हो जाएगा 24 प्लस 4 एल ए। मैंने आप लोगों को बताया था ए प्लस बी एल ए के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय, सो दिस विल बी 60 इनटू आई शॉर्ट सर्किट, सो 600। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। ओके, मैंने सिंपलीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग 420 माइनस 30 एल ए। ठीक है सर। सर, तो अपने पास वोल्टेज हो गया, अपने पास करंट हो गया, तो यहां पे अपन लोग ये बोल सकते हैं दैट पावर पी इज इक्वल टू आई टी इंटू वी टी। कर दो मल्टीप्लाई। I टर्मिनल कितना है अभी अपन ने निकाला 420 माइनस 30 LA इन द फॉर्म ऑफ आर्क लेंथ, और ये हो जाएगा दिया हुआ क्वेश्चन में 24 प्लस 4 LA। नाउ टू फाइंड आउट यू कैन से मैक्सिमम पावर, अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। सो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे dp अपॉन dLA, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आर्क लेंथ। यू कैन से पावर विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ये जीरो होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैं करूँ डिफरेंशिएशन, तो देखो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। अब देखिए 420 इंटू 24 दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो पहली तो ये जीरो हो जाएगी, आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है, जीरो है। सेकेंड वैल्यू है 420 इंटू 4, तो ये हो जाएगी प्लस की 1680 एल ए माइनस 30 एल ए इंटू 24 एल ए, तो 24 थी 772 720 हो जाएगा ये, तो माइनस 720 एल ए एंड दिस विल बी माइनस 30 इंटू 4 120 एल ए स्क्वायर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ओके, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसका डी बाई डी एल ए करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1680 माइनस 720 और ये हो जाएगा माइनस 240 एल ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा सर, 960 इज इक्वल्स टू 240 LA, मतलब LA is equals to 4 mm। तो अगर आप लोगों को मैक्सिमम पावर निकालना है सर, तो आप लोग निकाल लो। आप लोगों का I टर्मिनल कितना है,
सर दिस विल बी 420 माइनस 30 इंटू एल ए, डाल दो 30 इंटू 4 मतलब 120, मतलब कितना आएगा 300 एम्पियर। फॉर मैक्सिमम पावर यू कैन से अवर टर्मिनल करंट ये हो जाएगा, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है ये हो जाएगा आप लोगों का 24 प्लस 4 ले तो 4 4 16 और 24 ये हो जाएगा 40 वोल्ट्स। अब आप लोग देखो जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो था दैट वाज 80 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट जो था वो 600 एम्पियर था, तो क्या ये आधा है? तो गेट में इतना कैलकुलेशन नहीं करने का, रिमेंबर द शॉर्ट ट्रिक दैट व्हेनेवर दे आर आस्किंग फॉर द मैक्सिमम पावर, व्हेनेवर दे आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम पावर रिमेंबर दैट योर आई टर्मिनल विल बी I short circuit divided by 2 and your V terminal will be V open circuit divided by 2. So thanks for watching my video. I hope aap logo ko ye samajh mein aayega. Regularly this question is asked in GATE and engineering services. So don't forget to like the video and subscribe to the Anacademy Accord YouTube channel. Thank you.